हेलो व्यूज, वेलकम टू आवर चैनल जयपैक बॉयज। आपके लिए एक और एपिसोड के साथ आपका भाई हाजिर है। आज की इस एपिसोड में हम फिर से मौजूद हैं हाशमी ऑटोमार्ट पे और हम करने लगे हैं अपनी गाड़ी को कंप्लीट ब्लैकआउट और हम करने लगे हैं कुछ मजीद अपग्रेड अपने सस्पेंशन में। तो चलें, चलते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड और आपको दिखाते हैं अमेजिंग चीजें और बताते हैं अमेजिंग बातें। सो बॉयज, इधर ट्रिम्स खोले जा रहे हैं उनको ब्लैकआउट करने के लिए। दूसरी तरफ सस्पेंशन का जो है ना वो जायज़ा चल रहा है और यहाँ पे एक क्रूज़र फेसलिफ्ट की जा रही है। इधर एक और स्पोर्टेज में बॉडी किट लगाई जा रही है, बहुत सारा काम चल रहा है इधर और सीम्स लाइक अ वेरी बिजी डे हियर। ये जो ब्लैकआउट होंगे ना तमाम ट्रिम्स, जो क्रोम है वो डी क्रोम हो जाएगा बेसिकली। इसका आई शुड से डी क्रोमिंग ना, बेसिकली वी आर डी क्रोमिंग द कार, तो डी क्रोम होकर गाड़ी बहुत अच्छी लगेगी। सो बॉयज, राइट नाउ हमें यहाँ पे कोई दो ढाई घंटे हो गए हैं, ठीक है। पीछे कुछ भाई जो है वो ट्रिम्स को रैप कर रहे हैं, ठीक है। हम चलते हैं, हमारे एक्सटेंडेड कंट्रोल आर्म्स आ गए हैं, हम आपको कंट्रोल आर्म्स चेक कराते हैं, कंट्रोल आर्म्स को फिट करते हैं और करते हैं मजीद बातें और आपको बताते हैं हमने कंट्रोल आर्म पर्टिकुलरली क्यों लगाए हैं उनको लगाते लगाते। तो भाई इस तरफ जो है ना वो रैप किया जा रहा है। अबे पागल है क्या, गायों की तरह जाए जा रहा है, घुस जाएगा वहाँ पे। अबे गाय आ रही है भागती हुई, कि हम भी ना घुस जाए आगे। खैर बॉयज, वो मुनीप भाई थोड़े पागल हो गए थे, वो इधर उधर निकल जाते हैं कभी कभी। माफ करना, मैं इधर जो हमारे भाई हैं वो सब जितना भी हमारा ट्रिम है ना उसको ग्लॉसी ब्लैक रैप कर रहे हैं, क्योंकि भाई ब्लैक आउट ट्रिम के बगैर ना ऐसे मजा नहीं है, ऐसे मजा नहीं है मेरा भाई। तो बॉयज, ये है हमारा पुराना कंट्रोल आर्म और ये है हमारा नया कंट्रोल आर्म। बेसिकली जो नया कंट्रोल आर्म है ये एक्सटेंडेड कंट्रोल आर्म है ना, ठीक है। जो शॉकर है वो लगना शुरू हो जाता है। अगर मैं आपको ये पुराने कंट्रोल आर्म पे दिखाऊं, ये देखिए हल्का फुल्का जो है ना ये निशान आया हुआ है इधर कलर का, वो आया हुआ है क्यों, क्योंकि शॉकर टकरा रहा है इससे ना, ठीक है। तो ये ज़्यादा मजबूत भी होते हैं और ये एक्सटेंडेड होते हैं, थोड़े से बाहर की तरफ होते हैं, तो इसमें शॉकर टकराएगा नहीं ना, ठीक है। इस वजह से हम इसमें डाल लें अपनी गाड़ी में एक्सटेंडेड कंट्रोल आर्म। तो अब एक्सटेंडेड कंट्रोल आर्म हम फिट करते हैं अपनी गाड़ी में और आपको दिखाते हैं रिजल्ट। तो बॉयज बॉयज बॉयज, यहाँ पे हमारा एक्सटेंडेड कंट्रोल आर्म लग चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है सेटअप। एक्सटेंडेड कंट्रोल आर्म लगाने का जो रीज़न है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो शॉकर है वो टकराना शुरू हो जाता है ना जब हम लोग क्या नाम है ज़्यादा लिफ्ट करते हैं गाड़ी, तो इसलिए फिर वहाँ पे आता है एक्सटेंडेड कंट्रोल आर्म, वो लगाया जाता है ताकि शॉकर टकराए ना। हम गाड़ी को थोड़ा सा साफ सफाई कर लें फिर हम आपको दिखाते हैं इसके फाइनल लुक। तो बॉयज, हियर इज द फाइनल लुक ऑफ आवर मार्क 4 फॉर टाइम बीइंग, सेकेंड फाइनल लुक। पता है आपको भाई को, आपका भाई जो है वो हर कुछ दिन बाद फाइनल लुक चेंज करता रहता है, तो कुछ चेंजेस महीने दो महीने बाद फिर आएंगे, लेकिन फॉर टाइम बीइंग दिस इज द फाइनल लुक। ऑल ट्रिम्ड ब्लैक आउट, नया कंट्रोल आर्म इज इन द कार। आप देख सकते हैं ये टायर थोड़ा और बाहर आ गया है, गाड़ी को एक मीटी अग्रेसिव लुक दे रहा है। जैसे जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग देख सकते हैं पीछे सिनेमैटिक्स के गाड़ी कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। दिस वाज माय लॉन्ग टर्म ड्रीम के ये जो गाड़ी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको मैं, जैसे लोग थाईलैंड में गाड़ियाँ बनाते हैं ऊंची बड़ी फॉर्च्यूनर, मतलब फॉर्च्यूनर की प्रेजेंस फील होनी चाहिए, वैसी बनाऊँ। एक जो नॉर्मल फॉर्च्यूनर है इसके सामने वो बच्चा लग रही है लिटरली। यहीं पे पीछे शोरूम के अंदर जो है एक PPF होने के लिए फॉर्च्यूनर आई हुई है, उसको देख के वो इतनी छोटी लग रही है। Can't tell you in words, loving the final look of the vehicle. Mashallah, mashallah, it's looking amazing. मैं चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं मैं और mods करूँ तो मुझे comment में ज़रूर बताया करो भाई, मैं तुम सबके comment पढ़ता हूँ। Thanks to all the team, सब भाई खड़े होके यहाँ पे देख रहे हैं मुझे video shoot करते हुए, thank you to this भाई also. तो अब ये हमारी गाड़ी का look, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा look बहुत पसंद आया होगा और सारा सामान हमने गाड़ी में डाल दिया है। चलते हैं गाड़ी की एक बारी, क्योंकि कंट्रोल आर्म डाला है तो फिर अलाइनमेंट होगी, वो अलाइनमेंट कराते हैं, सब चीज़ों को फाइनल करते हैं और वीडियो को करते हैं रैप।
दिखाते हैं। सो बॉयज दिस इज डे टू और आज हम जा रहे हैं मजीद गाड़ी के काम कराने के लिए। कुछ ट्रिम ब्लैक आउट होना रह गया था, हमारे पास टाइम नहीं था। आई वॉन्ट टू शेयर सम वेरी गुड न्यूज़ विद यू गाइज। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी मैकेनिक ऑन व्हील्स इज़ नाउ ऑपरेशनल इन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद, ऑल द मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। दिस वॉज माई लॉन्ग टाइम ड्रीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र गुज़ार हूँ, मेरे मालिक ने दिन दिखाया और मेरा अल्लाह जानता है कि ये मेरा ड्रीम था। मैं इस वजह से एक्सपेंड नहीं करना चाहता था कि मैं और पैसे कमाऊँगा, दिस वॉज माई ड्रीम। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इंशाल्लाह हम लोग ऑपरेशनल होंगे इस्लामाबाद में भी। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। चलते हैं, हम आपको मजीद सीन्स दिखाते हैं, जो चीज़ें ब्लैक आउट हो गई हैं उनको लगवाते हैं और शायद हम एक और वीडियो शूट कर रहे हैं आज, क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम तो मैं इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के ऑपरेशन में बिज़ी होऊंगा। तो अगले हफ्ते की वीडियोज़ आपका भाई अभी से शूट कर रहा है। सो बॉयज़ ये है हमारे मारखोर का लुक आफ्टर ऑल द ट्रिम्स हैव बीन ब्लैक्ड आउट। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत नफासत वाला काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो बैक है वो अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल जयपैक बॉयज़, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत करते हैं हम भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, हाशमी ऑटोमार्ट को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, ऑक्स LED को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। अपना रखना बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज़।